तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत करता हूँ और एक नए वीडियो में। और मैं आज आप लोगों को एक नया मल्टीप्लेयर गेम लेकर आया हूँ। ऑलरेडी इस गेम को बहुत अच्छा रिस्पांस आ चुका है। ये गेम लॉन्च होकर सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हुए हैं। लगभग 2 से 3 महीनों के अंदर 100K डाउनलोड्स को कम्प्लीट कर चुके हैं। और इस गेम का ओवरऑल रेटिंग है 4.5 स्टार। और ये गेम बेसिकली एक मल्टीप्लेयर गेम है, जिधर 2 ओपोनेंट टीम को स्कोर लिमिट दे दिया जाता है। और जो टीम उस स्कोर को पहले कम्प्लीट करता है, वो टीम लास्ट में विक्ट्री कर देता है। और ये रूल्स मल्टीप्लेयर गेम्स में कॉमन है, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं आप लोग। और अभी के टाइम पे इस गेम पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही मोड है। गेम अभी भी लॉन्च हुए, तो आप लोग ज्यादा मोड को एक्सपेक्ट नहीं करोगे। गेम का ओवरऑल एक्सपीरियंस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 मोड काफी है अभी के लिए। बाकी तो फ्यूचर में अपडेट आने के बाद और भी मोड्स आएंगे जरूर। और इस गेम का ओवरऑल गेम प्ले का क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि लैग का कोई भी इश्यू नहीं था और आसानी से इस गेम को खेल सकते हो। और आप लोग इस गेम में जो बटन्स आते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो आसानी से। और आप लोग इस गेम को किसी भी फोन में चला सकते हो आसानी से, वो चाहे 2 GB RAM का फोन हो या फिर 3 GB का, क्योंकि इस गेम का साइज है सिर्फ और सिर्फ 149 MB है अभी के लिए। और ये गेम आप लोगों को इतनी कम साइज में बढ़िया एक्सपीरियंस देगा जरूर। और इस गेम का नाम है Vortex 9। ये प्ले स्टोर पर डायरेक्टली अवेलेबल है, आप लोग जाकर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ, उधर मैंने एक लिंक दे चुका हूँ, उससे आप लोग आसानी से इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। और एक बात, अगर आप इस वीडियो को इधर तक देख रहे हो और पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और लास्ट में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलियो। और इस गेम आप लोगों को छोटा सा फोर्टनाइट की एक्सपीरियंस दे देगा आप लोगों को, क्योंकि जो इसका मेन थीम है वो फोर्टनाइट की तरह है दिखता है। बाकी तो फोर्टनाइट कितना फेमस है आप लोगों को पता है, PC में बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। हालात में मोबाइल में लैग इश्यू की वजह से इस गेम को कोई नहीं खेल पा रहे है अभी। अगर आप लोग छोटा सा एक फोर्टनाइट की अल्टरनेट ढूंढ रहे हो तो ये गेम आप लोगों को जरूर मजा देने वाला है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग फोर्टनाइट के फैन हो या फिर वैलोरेंट के फैन हो। तो आजकल बहुत ही नए नए गेम्स आ रहे हैं, तो इस चैनल में मैं जितना हो सकता उतना गेम्स को ट्राई करता रहूंगा। और इस गेम में मैंने एक ही मोड खेल कर देखा, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस दिया मेरे को। और बाकी तो इस गेम में ऑटो फायर भी है, मतलब जैसे ही आप लोग एनिमी पर एम करते हो तो ऑटोमेटिक फायर हो जाता है। अगर आप इसको नहीं चाहते हो तो ऑफ भी कर सकते हो। इस गेम को आप लोग जरूर ट्राई करके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप लोग वही पुराने गेम्स को खेल कर बोर हो रहे हो तो इस गेम को एक बार जरूर ट्राई करो, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाला है। और इस गेम में जो भी आप वेपन इक्विपमेंट जो भी देखते हो वो लेवल के अकॉर्डिंग आपको मिलता जाएगा। हर एक लेवल पे जैसे आप लोग पहुंचते हो तो उधर कुछ ना कुछ नए इक्विपमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, और काफी सारे और भी नए नए रिवॉर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। इस गेम में बहुत सारे गन के वैरायटीज है, पिस्तौल का भी बहुत सारे वैरायटीज है। आप लोग बैकग्राउंड में देख ही सकते हो, खतरनाक खतरनाक वेपन दिख रहे हैं आप लोगों को। उन सबको आप लोग अनलॉक करने के लिए लेवलअप करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ में अपने कैरेक्टर को भी अपना मन के अकॉर्डिंग मतलब कस्टमाइज कर सकते हो, हेयर स्टाइल हो या फिर चश्मा मतलब मास्क, सब कुछ चेंज कर सकते हो। और इतनी चीज के बाद भी इस गेम में बहुत सारे कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे, और इस कैरेक्टर को आप लोग आसानी से इन गेम कॉइन से ही परचेस कर सकते हो। और आप लोग कमेंट में बताओ कि इस गेम को आप लोग खेलते हो या फिर नहीं। मेरे अकॉर्डिंग इस गेम को जरूर एक बार ट्राई करो, सिर्फ और सिर्फ 129 MB है। अगर पसंद नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन अगर पसंद आता है तो आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर खेल सकते हो। और इस गेम में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, PvP मल्टीप्लेयर गेम है और थोड़ा बहुत फोर्टनाइट की तरह दिखता है। और आप लोग इस गेम को खेलना चाहते हो तो आप लोग जरूर ट्राई करके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब करके जाओ। बाकी तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।